साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एच के इलेक्ट्रॉनिक्स पे। आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। तो देख आइए दोस्तों, आज की वीडियो को डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने जो IC नज़र आ रही है दोस्तों, ये TDA7494 IC है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी के डायग्राम सर्किट को देखने वाले हैं कि आखिर ये किस प्रकार से एम्पलीफायर बनता है इस IC का, और दोस्तों ये कितने वाट का होता है, दोस्तों ये कितनी आउटपुट दे सकता है। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। और यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन खाली है, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर से जरूर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने TDA7494 IC का सिंबल ड्रॉ किया है। दोस्तों एक्चुअली ये 15 पिन की IC होती है दोस्तों, ये 100 वाट मैक्सिमम दे सकती है, यानी एक एक ही चैनल की IC होती है दोस्तों, इसमें चैनल नहीं होते, ये एक मोनो एम्पलीफायर कह सकते हैं आप इसे। तो दोस्तों ये 100 वाट की हो सकती है, यदि आप इससे परफेक्ट पावर सप्लाई देते हैं करीब 35-0-35 की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको करीब 100 वाट या फिर 120 वाट की आउटपुट आराम से देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों यदि आप इतनी इसमें पावर सप्लाई देते हैं, तो दोस्तों इस IC के जो चांसेस होते हैं दोस्तों, ये हीट होने के बहुत चांसेस रहते हैं, यानी ये हीट तो होती होती है, लेकिन ज़्यादा हीट होने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हैवी हीट्स या फिर एक फैन का अरेंजमेंट करना होगा, तभी आप इस एम्पलीफायर का मजा ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यदि आप इस पर हैवी हीटिंग या फिर फैन नहीं लगाएंगे, तो दोस्तों ये IC डेड हो जाएगी, यानी ख़राब हो जाएगी, और दोस्तों आपका एम्पलीफायर वेस्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आप मेरी कही गई बातों का ध्यान रखेंगे, वो इस IC के लिए एक प्रॉपर पावर हीटिंग या फिर फैन वगैरह का अरेंजमेंट करेंगे। दोस्तों यदि आप फैन लगाते हैं तो थोड़ी छोटी हीटिंग लगा सकते हैं, यदि आप फैन नहीं लगाते तो थोड़ी हैवी हीटिंग आपको लगानी होगी। डिसीजन आपके हाथ में कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेस्ट होगी। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए साथियों, अभी हमने जो पावर सप्लाई की लाइन होती है दोस्तों, इन्हें ड्रॉ किया है। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि जो हमारी 8 और 15 नंबर पिन है दोस्तों, ये माइनस सप्लाई है। दोस्तों जो हमारी 7 नंबर पिन और 13 नंबर पिन है दोस्तों, ये प्लस सप्लाई हुई है। दोस्तों यहाँ पर 5 एम्पियर की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये DC होगा हमारा, AC नहीं। यदि ट्रांसफार्मर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप 24-0-24 या फिर 28 या फिर 25-0-25 का ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा का ट्रांसफार्मर मत लगाइएगा दोस्तों, ये IC डैमेज हो सकती है। हाँ, यदि आप इससे कम वाट का लोड लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये वोल्टेज लगा सकते हैं, यानी और ज़्यादा हैवी ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं। करीब आप यहाँ पर 75 वाट की आउटपुट लेंगे, तो दोस्तों आप यहाँ पर जो है 30-0-30 का ट्रांसफॉर्मर लगा सकते हैं। दोस्तों ये एक्चुअली होता क्या है कि दोस्तों, जैसे हम अपने वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो दोस्तों हमें एम्पियर को कम करना पड़ता है, और दोस्तों यदि हम वोल्टेज को कम करते हैं तो दोस्तों हमें एम्पियर को बढ़ाना पड़ता है। तो इस प्रकार से इसकी वोल्टेज की मेथड होती है। तो आइए दोस्तों इस सर्किट में और आगे समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जो इसकी पिन नंबर 9 और 10 है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले एक कैपेसिटर लगाकर इसे ग्राउंड के साथ जोड़ दिया है। दोस्तों इन्हीं पिनों पर हमने एक वॉइस के की रजिस्ट्रेशन लगाकर दोस्तों इसे पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ा है। तो देखिए दोस्तों, आप पहले ये कह लीजिए कि हमने रजिस्ट्रेशन के थ्रू पॉजिटिव सप्लाई जोड़ी है, या फिर आप ये कह लीजिए कि हमने कैपेसिटर के जरिए यहाँ पर ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया है। तो दोस्तों ये दोनों ही कैपेसिटर यहाँ पर 10 माइक्रोफैरड के होंगे। आप यहाँ पर 63 वोल्ट या फिर 50 वोल्ट की कैपेसिटर लगा सकते हैं, या फिर 35 वोल्ट की कैपेसिटर भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो रिजेक्टेशन के बाद यहाँ पर वोल्टेज जाती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये कैपेसिटर फैल नहीं होंगे। तो दोस्तों ये पिने आखिर होती किस लिए हैं? तो दोस्तों ये स्टेट वाइट और म्यूट की पिने होती हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर हम इसका कोई भी यूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इसे हम डायरेक्टली ऑन रखने वाले हैं, ना म्यूट करने वाले हैं ना ऑफ करने वाले हैं। दोस्तों ये आखिर ही स्टेट वाइट और म्यूट क्या होता है? तो दोस्तों म्यूट होता है हमारा, जो कि एम्पलीफायर में कोई भी साउंड नहीं आनी चाहिए, चाहे आप इसमें सिग्नल दें या फिर ना दें। तो ये एक पिन इसकी म्यूट की होती है। दोस्तों स्टेट वाइट क्या होती है? दोस्तों स्टेट वाइट होती है ऑफ। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस एम्पलीफायर को ऑफ करने के लिए कुछ वोल्टेज देते हैं, जैसे कि दोस्तों ये 1.5 वोल्ट देने पर दोस्तों ये एम्पलीफायर रन कर सॉरी स्टेट वाइट हो जाता है, यानी ऑफ हो जाता है। दोस्तों इसमें 3.5 वोल्ट देने पर दोस्तों ये एम्पलीफायर ऑन हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों ये म्यूट भी हो जाता है, यानी 1.5 वोल्ट देने पर ये म्यूट हो जाता है। दोस्तों 3.5 वोल्ट देने पर दोस्तों ये अनम्यूट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम कोई यूज नहीं करने वाले, हमने से 3.5 वोल्ट दे दिए हैं, जिससे कि ये म्यूट भी नहीं रहेगा और स्टेट वाइट भी नहीं रहेगा, यानी ऑफ भी नहीं रहेगा। यदि आप इन ऑप्शनों का यूज करना चाहते तो आप यहाँ पर कोई अलग से अरेंजमेंट कर सकते हैं।
करता हूँ कि आपको मेरी कही गई बात समझ में आ रही होंगी। यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट करना ना भूलें। तो जो इस आईसी की 3 नंबर पिन होती है दोस्तों, यहाँ पर हम इनपुट देते हैं। तो दोस्तों इनपुट देने के लिए हम यहाँ पर एक कैपेसिटर का यूज करेंगे जो कि 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर होगा। दोस्तों इस कैपेसिटर का वोल्टेज आप 50 वोल्ट से रख सकते हैं या फिर 63 वोल्ट भी रख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर 25 वोल्ट या फिर जो भी आपका कैपेसिटर मिल जाए आप वो कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आप जैसा कि जानते हैं कि जो इनपुट होती है दोस्तों, इसे हम एक रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड से जोड़ते हैं। लेकिन दोस्तों इस आईसी में ऐसा नहीं है दोस्तों, इस आईसी में इसी में से पिनें निकली हुई हैं। आप ग्राउंड से भी जोड़ सकते हैं तो भी ये एम्पलीफायर काम करेगा। लेकिन दोस्तों इस सर्किट डाइग्राम में यानी इसी आईसी में से ही इस इनपुट पर एक ग्राउंड के साथ यानी रजिस्ट्रेशन लगानी होती है। आप इस पॉइंट पर ग्राउंड के साथ भी रजिस्ट्रेशन लगा देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आराम से सर्किट काम करेगा। लेकिन दोस्तों जब इसी आईसी में से ही पिने निकली हैं तो ग्राउंड के साथ क्यों लगानी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक वाइस के रजिस्ट्रेशन इसकी पिन नंबर 1 और 4 पर लगा दे रहे हैं। तो पहले तो दोस्तों इसकी 1 नंबर 4 नंबर पिन को कॉमन किया गया है यानी आपस में जोड़ा गया है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर वाइस के रजिस्ट्रेशन लगाकर इसके इनपुट वाली पिन से जोड़ी गई है। 22 के लिख भी दिया है जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसकी जो पिन नंबर हमारी 14 होती है दोस्तों, यहाँ पर हम स्पीकर कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने स्पीकर का सिंबल ड्रॉ कर दिया है। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि स्पीकर वाली लाइन से हमें एक फीडबैक की रजिस्ट्रेशन दोस्तों इसी पॉइंट पर एक जूबल नेटवर्क को क्रिएट करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जूबल नेटवर्क और यहाँ पर फीडबैक रजिस्ट्रेशन लगाकर आपको बताते हैं। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि दोस्तों जो हमारी फीडबैक की रजिस्ट्रेशन है दोस्तों वो ये रही। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इस प्रकार से इस आईसी के घेर यानी पीछे साइड हुई दोस्तों एक लाइन ड्रॉ की है। तो आप समझ जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि दोस्तों इस आईसी में इतनी बातें, यदि मैं यहीं से एक लाइन खींच देता तो दोस्तों बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं यानी क्लियर हो जाते हैं। दोस्तों आप उन डाउटों के लिए परेशान होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इस लाइन को इस प्रकार से ड्रॉ किया है। तो दोस्तों यहाँ पर 22 के रजिस्ट्रेशन फीडबैक रजिस्ट्रेशन के तौर पर यूज करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी फीडबैक वाली पॉइंट होती है यानी जो फीडबैक वाली लैक होती है यानी 2 नंबर पर इसकी फीडबैक वाली पॉइंट है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक नेटवर्क भी क्रिएट करना होता है। तो दोस्तों नेटवर्क के लिए हमने यहाँ पर 47 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर दोस्तों इसी के सीरीज में एक 680 ओम के रजिस्ट्रेशन जोड़कर ग्राउंड के साथ जोड़ दिया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी फीडबैक कंप्लीट होती आई। दोस्तों यहाँ पर एक जूबल नेटवर्क को भी लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी एक जूबल नेटवर्क को क्रिएट किया गया है। दोस्तों यहाँ पर 104 का कैपेसिटर है। दोस्तों यहाँ पर आप 100 वोल्ट का कैपेसिटर जो ग्रीन कलर के कैपेसिटर आते हैं दोस्तों वही लगाइएगा आप। और दोस्तों यहाँ पर एक 2.2 ओम की 1 वाट की रजिस्ट्रेशन लगाई गई है। आप चाहें तो यहाँ पर 10 ओम या फिर जो भी आपको इसके बीच की रजिस्ट्रेशन मिल जाए वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने एक कैपेसिटर ड्रॉ किया। दोस्तों ये 100 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। तो दोस्तों ये एक बूस्ट का कैपेसिटर होता है। आप जानते होंगे मैंने जो अदर एम्पलीफायर के डायग्राम सर्किट डिस्कस किए दोस्तों, वहाँ पर भी मैंने इस कैपेसिटर की बहुत ज़्यादा जिक्र किया है। उन वीडियो में मैंने इस कैपेसिटर का जिक्र किया है। तो दोस्तों आपसे मैं पूछता हूँ कमेंट में कि दोस्तों ये जो कैपेसिटर का ये पॉजिटिव वाली लैक है दोस्तों इस आईसी के किस पॉइंट से जुड़ेगी। दोस्तों ये डायरेक्टली किसी पॉइंट एक पॉइंट से जुड़ जाएगी, जितनी भी पिनें आपको खाली दिख रही हैं किसी एक पिन से जुड़ेंगे। तो दोस्तों ये आपको कमेंट में बताना है। और दोस्तों यदि आप कमेंट में बताते हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मैं आपको कमेंट में ही इसकी पिन नंबर डाल दूंगा जो कि 1-2 दिन के बाद ही मैं डालूंगा, क्योंकि मैं आपसे कमेंट कर रहा हूं तो आपको भी वक्त मिलना चाहिए कमेंट करने का। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और यदि दोस्तों आपको इस डायग्राम सर्किट में कोई भी डाउट रहा होगा तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा, यदि फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा तो आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को कहते हैं अंत, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जब तक के लिए हैव ए नाइस डे और जय हिंद, वंदे मातरम।